हम सब लोग का क्यों ऊपर हैं? सही है, उसी के बारे में भी जाकर के बात भी करेंगे और 3 महीना का इन लोग मोहलत चाह रहे हैं तो ये भी बात करेंगे, 3 महीना का मोहलत दिया जाए और कोर्ट का निर्णय जो होगा वो सबके लिए माननीय हो, चाहे इन लोगों के पक्ष में हो या इन लोगों के खिलाफ हो, जो भी हो पेपर तो हम जानते नहीं, कोर्ट देखेगी उसको क्या। सर, राज्य सरकार वो भूमि सुधार मंत्री का बयान था कि भूमिहीनों को 5 दशमलव जमीन दिया जाएगा, लेकिन ये लोग तो सर देख रहे किस तरीके से बेसहारा बने बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का जो निर्णय वो तो धीरे धीरे करके हो ही रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है और इन लोग को वहाँ 50-40 साल से बसे हुए हैं तो इन लोग को वहाँ पर उजाड़ने का हम नहीं समझते हैं कि कोई औचित्य है, लेकिन अगर किसी का प्राइवेट ज़मीन में गलती से होगा वो भी 20-25 साल से केस लड़ रहे हैं, नहीं लड़ हम नहीं जानते, लेकिन अगर अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं तो कोर्ट फैसला करेगी, जो कुछ जो पेपर देख करके जो उचित न्याय होगा सबको मान्य होगा। चलिए, इतनी जिंदगी आखिर क्या करेगी, इसका लाके पिछले में सड़क पे आ जाएगी, इसके बारे में कुछ तो कुछ जिलाधिकारी बोल ही रहा है कि हमको बहुत इन लोग से हमदर्दी है, लेकिन फैसला तो कोर्ट करेगा ना, पेपर पेपर का पेपर देख करके फैसला तो कोर्ट को करना है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा अगर ऐसा फैसला हो तो इन लोगों को हटना है तो फिर इन लोगों को उसके एवज में कहीं पर जमीन मिले इसका भी हम लोग पहल करेंगे। सर, अभी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, इन लोगों की मांगों को लेकर क्या बातें करेंगे? अभी हमने बताया ना कि इन लोग की बात करेंगे कि इन लोगों को 3 दिन का नोटिस दिया गया था खाली करिए, वहाँ पर आपको तो पता बताया गया कि 25 इंदिरा आवास बना हुआ है, मैंने आवास बना हुआ है और वो सरकारी फंड से बना है, सरकारी जमीन पर बना है, तो जब इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, किसी का प्राइवेट जमीन है उसमें कैसे बन गया, तो खैर ये तो फैसला कोर्ट करेगी कि प्राइवेट उनका है कि नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगी और जब तक नहीं होता है फैसला तब तक इन लोग को वहाँ पर रहने दिया जाए, अगर फैसला इन लोग के विरोध होता है तो कहीं पर इन लोग को सरकारी जमीन में इन लोग को बसाने के। जो हमने कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा सबको मानना सबका मजबूरी है, मानेंगे, तो इन लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी शायद फैसला उनके पक्ष में आया है, लेकिन हमने डीएम साहब से आग्रह किया, जैसे अब सब लोग नीचे बता रहे थे कम से कम ठंडी का महीना है, 3 महीना हम लोग को समय दिया जाए, तो डीएम साहब ने कहा कि उन लोग से एक आवेदन ले लेंगे सब लोगों से और कोर्ट में हम लोग देंगे कि 3 महीना के इन लोग को मौका दिया जाए, अब हम लोग निश्चित तौर से करवा लें। फिलहाल सर काम बंद होगी वहाँ के नहीं, जो वहाँ पे जिलाधिकारी डीएम साहब गए हैं वहाँ जो घर तोड़ने का जो उनको मिला है ऑर्डर 3 दिनों का उस पर ब्रेक लगेगा। डीएम साहब बोले ना कि 3 महीना के इनके आवेदन मिलने के बाद कोर्ट में लगा के इनको, डीएम साहब को भी तो कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा ना, तो जो हाजिर होंगे इन लोग आवेदन के आलोक में रिक्वेस्ट किया जाएगा 3 महीने का समय इन लोग को दिया जाए, और 3 महीने समय मिलेगा उसमें इन लोग को भी यही रिक्वेस्ट है कि 3 महीना समय दिया जाए, तो ये हमको पूरा उम्मीद है कि 3 महीने का समय कोर्ट भी दे देगी।